हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिक एजुकेशन एंड वेलकम टू जी कोर तो जी कोर सीरीज में आज ये क्वेश्चन नंबर टू दिख रहा होगा आपको और जेनिक लाइव ऐप पे एक दिन पहले ही दिख गया होगा आपको और होपफुली आप लोग इसका आंसर किए होंगे और जिसका भी करेक्ट होगा वो भी दिख गया होगा क्योंकि अब तो आंसर सीट तो भी आपको दिखने लगा है उसमें और रैंकिंग भी दिख रहा है आपको कितना स्टूडेंट अटैम्प्ट किया और आपका रैंक उसमें से कितना है तो मेन है इस क्वेश्चन का जो आप देखे होंगे तो विद टाइम फ्रेम में जो भी टाइम दिया गया होगा आपको फोर मिनट फाइव मिनट विद टाइम टाइम फ्रेम में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और आपसे बना कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है तो एग्जाम में अल्टीमेटली ये जो टाइम है ना टाइम उस टाइम का ही गेम है और इस पर आपको वहां पे आप कर तो देखते हैं जी जो, जो दिख रहा होगा देखते हैं इसमें क्या चीजें सीखने को है इसमें क्या लर्न करने को मुझे है, उसके थ्रू देखते हैं क्वेश्चन तो देखिएगा इसमें होल इन लाइटली टाइप बार एट मिनिम कंडक्टिविटी वेन द रेशियो ऑफ द होल मोबिलिटी टू द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज जीरो गिवेन है रेशियो दिया है आपका गिवेन जो टर्म है क्या दिया हुआ है रेशियो ऑफ द होल मोबिलिटी टू द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज जीरो पॉइंट जीरो म्यू एन का रेशियो कितना दिया हुआ है

मिनिमम मैक्सिमा जब पढ़े होंगे वहां में क्या क्या कर देते मिनिमा और मैक्सिमम का जब कॉन्सेप्ट था तो क्या करते थे जो फंक्शन आता था उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करके निकाल लेते देते वहां से मिनिमम मैक्सिमम तो यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे भी वह, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और वहीं से चीजें आएगा तो सर अप्लाई क्या करना है तो यहाँ देखिए सबसे पहली बार लिखा है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए होल इन अ लाइटली डॉट अटाई बार एट अ मिनिमम कंडक्टिविटी ये क्या लिखा हुआ है ये जो कंडक्टिविटी है तो कंडक्टिविटी फॉर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कितना होता है कंडक्टिविटी फॉर इंटरसिक सेमीकंडक्टर पता होगा आपको कितना होता है सिग्मा का वैल्यू कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा का वैल्यू कितना होता है पता होगा आपको एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी एन है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहां है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और पी, तो Q दोनों में कॉमन है जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैसे कॉन्स्टेंट है भी तो क्यू बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एन म्यू एन प्लस पी म्यूपी यहाँ पे यह सिग्मा का वैल्यू आ गया अब हम क्या बोले थे

रिस्पेक्ट टू पी तो कितना हो जाएगा डी सिग्मा अपॉन डी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पी के रिस्पेक्ट में दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स के रिस्पेक्ट में अब देखिए क्यू क्या हो जाएगा क्यू तो constant की तरह ट्रीट करेगा तो उसका डिफेंसेशन क्या हो जाता है का differentiation जीरो होता है पता होता है क्यों को तो लेना ही नहीं है उसको छोड़ दीजिए अब कितना एन एन म्यू एन लिख देते हैं यहां पे डी अपॉन डी पी लिखते हैं सिग्मा नहीं डी पी कितना है एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी अब लगेगा सर इसका क्यों नहीं किया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम पी के रिस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा इसीलिए इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया बाकी टर्म को कर रहे हैं डिफरेंशिएट ओके okay? अब देखिए अब यहाँ पे एन म्यू एन और पी म्यू पी दिख रहा है तो दो टर्म दिख रहा है दो अलग अलग टर्म में तो दोनों को या तो पी को एन के टर्म में ले आते हैं या एन को पी के टर्म में ले जाते हैं तब सही होगा मुझे चीज़ों को कैलकुलेशन करने में तो अब जो गिवेन डाटा है वो क्या है म्यू पी म्यू एन तो है कोई दिक्कत नहीं है

मास एक्शन लो मास मासन लो क्या होता है पता होगा आपको क्या होता है मास मासन लो एन इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर यहां से अगर एन का वैल्यू निकाला आए तो कितना हो जाएगा एन आई स्क्वायर अपन पी अब देखिए यही एन का वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए आप यहां पे क्यों सर यहाँ पे जब पुट करके देखिए सारा चीज पी के टर्म में पी के टर्म में चला जाएगा और जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो किसके टर्म में करूंगा देखिए यहां पे पी के टर्म में करूंगा तो इजीली कैलकुलेशन करने में मुझे सारा कुछ इजीली दिखेगा और इजीली मैं कैलकुलेशन करके लेके यहां से आगे बढ़ जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे कितना डी अपॉन डी पी एन के बदले कितना पुट करेंगे यहां से एन आई स्क्वायर अपॉन पी पुट कीजिए बाकी ये क्या हो जाएगा म्यू एन प्लस यहाँ पे कितना है म्यू पी म्यू पी अब दोनों को अलग अलग पता है जब डिफ्रेंसिएट में ये एडिशन है बीच में तो इसको भी अलग कर लीजिए इसको भी अलग कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये तो पता होगा आपको डिफ्रेंसिएशन प्रॉपर्टीज में अब देखिए इसको इरेज कर रहा हूं मैं ये वैल्यू पता है यहाँ पे इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है ये मैं यहां से नोट कर लूंगा अब देखिए इसको जो डिफेंसिएट कीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ पे कितना है? म्यू एन तो बाहर ही हो जाएगा ये भी कितना म्यू एन एन आई स्क्वायर सब बाहर हो जाएगा क्योंकि सब कांस्टेंट टर्म है एन आई स्क्वायर का भी वैल्यू होता है म्यू एन का भी वैल्यू कांस्टेंट इसके रिस्पेक्ट में और ये होगा वन बाई पी वन बाई पी का डिफेंसिएशन कितना होगा ये बताइए वन बाई पी का डिफेंसिएशन होगा माइनस वन बाय पी स्क्वायर ये पता होगा आपको ओके okay? फिर बीच में प्लस है बाकी म्यू पी बाहर होगा और पी का डिफेंसिएशन पी के रिस्पेक्ट में पी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा वन तो कितना हो जाएगा ये वन हो जाएगा सर अब देखिए मैं सबका वैल्यू मुझे पता है कि नहीं ये बताइए सबका वैल्यू पता है क्या मुझे नहीं अब देखिए ये जो डिफ्रेंस कर, करके ये किसका वैल्यू है डी सिग्मा अपॉन डी पी का वैल्यू यह है ना इसकी वैल्यू किसके इक्वल करते हैं जीरो के इक्वल करते हैं मैक्सिमम मिनिमा का मैक्सिमम है या मिनिमम उसको फाइंड करने के लिए तो इसको जीरो के इक्वल करके मुझे निकालना क्या है मुझे निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ होल्स दैट इज पी का वैल्यू निकालना है क्या निकालना है मुझे पी का वैल्यू निकालना है और यहां पे देखिए यहां से आ जाएगा पी का वैल्यू कैसे देखते रहिए अब देखिए जब इसको इक्वल टू जीरो कीजिएगा आप इसको सोल्व कर लीजिए इसको सोल्व कीजिए तो कितना आएगा ये देखिए म्यू पी इस टू वन ऐसे ही रहेगा जब ये इसको इस तरफ लेके जाइएगा तो ये अभी माइनस में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा सर कितना होगा प्लस में म्यू एन एन आई स्क्वायर इंटू वन बाय पी स्क्वायर ये जो माइनस है इस तरफ जाएगा तो प्लस में तो वन बाय पी स्क्वायर हो जाएगा अभी माइनस वन बाय पी स्क्वायर था देखिए यहां से यहां से इसको इधर लेकर आए तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर रहने दीजिए यहां पे कितना हो जाएगा म्यू एन अपॉन म्यू पी इन टू एन आई स्क्वायर बचेगा अब देखिए अब जब यहां से p करेंगे तो यहां इस पर स्क्वायर रूट आएगा और यह स्क्वायर क्या गायब हो जाएगा यहां से तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एन अपॉन म्यूपी इंटू यह कितना बच जाएगा एनआई सिंपली बच जाएगा

केवल म्यू एन अपन म्यू पी का म्यूपी का वैल्यू आया है अब स्क्वायर रूट तो लगाइएगा ना आप और बाहर में कितना है? है। और है का वैल्यू कितना है दिया हुआ इंटू टेन टू पावर टेन इंटू टेन टू पावर टेन पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट का ख्याल हमेशा रखिएगा एडीसी क्वेश्चन में क्योंकि तो एमएस क्यू जब फ्रेम करेगा तो यूनिट में फंसाएगा आपको और उसमें नहीं फंसना है आपको अभी से उसको याद रखिएगा अब देखिए ये कितना हो जाएगा ऊपर में डबल जीरो और हंड्रेड का स्क्वायर रूट कितना होगा टेन तो कितना होगा टेन इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर टेन और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टेन टेन है तो पावर यहाँ बढ़ जाएगा टेन के ऊपर में तो कितना बढ़ जाएगा वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर कितना इलेवन पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा और यही फाइनल आंसर आएगा आपका यही पी का वैल्यू आ रहा है ना और पूछ भी रहा है मुझे पी का वैल्यू अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ ऑप्शन क्या क्या इवन है ऑप्शन की टू इंटू दिस इज नॉट करेक्ट वन पॉइंट फाइव इंटेंट टेन देखिए अगर थोड़ा सा भी इधर है, तो फिर आंसर दिख रहा है यहाँ पे गलत, गलती करवाने के लिए ये कितना है टू में तो होगा ही नहीं ये देखिये वन पॉइंट फाइव योर करेक्ट आंसर तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन ओके तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा मैथमेटिक्स था सिंपल सा मैथमेटिक्स लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए ईडीसी के बेसिक फिजिक्स में कौन कौन सा फॉर्मूला सर कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रसिक सेमी और मास एक्शन लो पता होगा सबसे इंपोर्टेंट मासन लो मासन लो में थ्योरिकल क्वेश्चन भी अप्रोच किया जा सकता है उसको भी मैं लेके दिखाऊंगा एमएस्यू में किस तरह का थ्योरिकल क्वेश्चन बनेगा अपकमिंग सेशन में तो देखते रहिए आप और इसमें जो तो था कंडक्टिविटी मास एक्शन लो एंड एंड मैथमेटिक्स जो मैथ मैथ मैथमेटिक्स आप ट्वेल्व में पढ़े होंगे मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट जो डिफ्रेंशिएट करके उसको जीरो करके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं उसी का कॉन्सेप्ट था इसके अंदर उसी तरह से किए और वैल्यू को पुट किए और आपका आंसर गेट हो गया तो इस तरह का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आपको लेकिन उसको हैंडल करना आना चाहिए अब मैथमेटिक्स से कनेक्ट करना आना चाहिए ई वाले पोर्सन को तो ईजिली टैकल कर लीजिएगा तो मिलते हैं फिर इसी जो थ्री चल रहा है अपना जी ट्वेंटी एट जी कोर जी एस कोर वो आप लोग इन्जॉय करते होंगे इसी सीरीज में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थ्री के साथ तब तक एंजॉय करते रहिए और जुड़े रहिए जेनी के साथ थैंक यू थैंक यू सो मच